केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही नगर निगम भिलाई क्षेत्र में लगे राजनैतिक दलों के बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स को निगम की टीम घूम घूम कर संपत्ति विरूपण नियम के तहत जब्ती की कार्रवाई करते हुए दीवार लेखन को भी मिटा रही है। निगम भिलाई आयुक्त रोहित व्यास ने आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण नियम को कड़ाई से लागू करने अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी को निर्देशित किए हैं। उन्होंने सभी जोन आयुक्त, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी तथा निगम के तोड़फोड़ दस्ता को तत्काल शहर के सभी क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों के लगे फोटो तथा राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, फ्लैक्स तथा वॉल राइटिंग को हटाने को कहा है। निगम की टीम जी रोड के दोनों किनारे पावर हाउस सुपेला, लक्ष्मी नगर, नेहरू नगर, अवंतीबाई चौक, खुर्सी पार, कैंप क्षेत्र, कोहकाकुरु टाउनशिप क्षेत्र, हुडको सहित संपूर्ण निगम क्षेत्र में लगे बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स को जब्त किया है तथा दीवार लेखन को गेरू रंग से मिटाया गया। निगम के सभी कार्यालयों में लगे शासकीय योजनाओं में जनप्रतिनिधियों के फोटो वाले पोस्टर को भी हटाया गया है। आचार संहिता प्रभावशील है, जैसे सभी जानते हैं। कल से ही प्रभावशील होगी, जैसे ही निर्वाचन आयोग ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी तिथि उन्होंने बताई, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही जैसे ही आचार संहिता प्रभावशील हुई, सभी जोन में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई, जैसा चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत होता है, संपत्ति विरूपण की कार्रवाई, मतलब किसी तरह के प्रचार प्रसार की सामग्री या दीवार लेखन हुआ है, ये सबको हटाया जा रहा है। 48 घंटे के भीतर ये सब हटाने हैं और ये सब कार्रवाई द्रुत गति से की जा रही है, रात दिन इसमें किया जा रहा है। और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो कुल मिला के आज शाम रात तक उसको हटा दिए जाएंगे। और जो निजी संपत्तियों में किसी की प्रचार प्रसार सामग्री है और यदि उसकी सहमति है, उसे वो जानकारी दी जा रही है, यदि सहमति है तो वो उसकी जानकारी फिर निर्वाचन शाखा को दी जाएगी कि वो किसके कितने आकार का वो विज्ञापन है और सहमति है तो उसके प्रत्याशी के जो भी होगा या पार्टी होगी उसके खर्चे में ऐसा उनके व्यय में शामिल होगा। तो ये कार्रवाई हो रही है। निजी संपत्ति में भी यदि प्रचार प्रसार छतों में होर्डिंग लगी है, सब सारे आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद हटाया जाना है और वो हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त रोहित व्यास ने कहा है कि निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। बिना अनुमति के संपूर्ण निगम क्षेत्र में बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स लगाना तथा दीवार लेखन, जुलूस, रैली प्रतिबंधित किया जा चुका है। उन्होंने निगम के जोन आयुक्त तथा राजस्व टीम से कहा है कि प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण कर संपत्ति विरूपण नियम को प्रभावशाली बनाए रखने में अपना योगदान दें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।